इसराइल की ओर से गजा में हवाई हमले शुरू हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। वहीं जमीनी आक्रमण शुरू हुए भी दो हफ्ते बीत चुके हैं। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब गजा में रह रहे हमास चरमपंथियों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले किए थे। हमलों में इसराइल के 1200 से अधिक नागरिक मारे गए थे। इसराइल की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई का लक्ष्य शुरू से ही बिल्कुल साफ था कि सैन्य और राजनीतिक रूप से हमास को नष्ट कर देना है। हालांकि इसराइल अब इस लक्ष्य को हासिल करने के कितना करीब है और इस लक्ष्य को पाया भी जा सकता है या नहीं। हालांकि जहां तक इसराइल की बात है तो उसने बार बार कहा है कि ये ऑपरेशन कठिन होगा और लंबा चलेगा। इसराइली सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने BBC से बातचीत की। इस बातचीत में इस युद्ध का मौजूदा हाल बताने के लिए उन्होंने इसे एक बॉक्सिंग मैच बताया। उन्होंने कहा 15 राउंड के मैच का ये चौथा राउंड है। इसराइल में अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है कि ये युद्ध अभी कितने दिनों तक चलेगा। हालांकि लंबे समय तक लड़ना इसराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि लड़ाई रोकने या युद्ध विराम का ऐलान करने के लिए उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने अब तक 14,000 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें हमास के वरिष्ठ कमांडरों सहित दर्जनों महत्वपूर्ण टारगेट को मार गिराया है। सैन्य विशेषज्ञ और यरूशलम पोस्ट अखबार के पूर्व संपादक याकोव काट्स का कहना है कि इसराइल अभी तक 23,000 से ज्यादा बम गिरा चुका है। हमास के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से गजा में अब तक 10,800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 4,400 से ज्यादा बच्चे हैं। इसराइल का कहना है कि उसकी सेना ने गजा पट्टी को उत्तर और दक्षिण के बीच सफलतापूर्वक बांट दिया है। साथ ही उसके सैनिकों ने गजा शहर को घेर लिया है। दूसरी ओर हमास ने इस बात से इनकार किया है कि इसराइल की सेना को वहां कोई अहम बढ़त मिली है या गजा के भीतर उसका प्रवेश हो गया है। युद्ध शुरू होते वक्त अनुमान लगाया गया था कि हमास के 30,000 से 40,000 लड़ाके थे। इसराइल की सेना के एक वरिष्ठ सूत्र ने BBC को बताया कि उनमें से लगभग 10% यानी कि 4,000 लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। हालांकि ऐसे अनुमानों को सत्यापित करना असंभव है। इसराइली खुफिया और सुरक्षा विशेषज्ञ योसी कुप्रवासेर का कहना है कि सेना भारी नुकसान से खुद को बचाने के लिए जमीनी अभियान बहुत सावधानी से चला रही है। इसराइली सेना भूमिगत लड़ाई में फंसने के बजाय मिलने वाली सुरंगों को उड़ाने की कोशिश कर रही है। इसराइल के एक वरिष्ठ रक्षा सूत्र ने BBC को बताया कि वो अभी हर दिन 100 से ज्यादा नए लक्ष्यों की पहचान कर रहे हैं। हालांकि युद्ध जितना लंबा चलेगा, इस लिस्ट के छोटे होने की संभावना उतनी ही कम है। लेकिन युद्ध जितना लंबा खींचेगा, प्रतिरोध को पहचान कर उसे खत्म करने के लिए उसे जमीन पर मौजूद सैनिकों पर उतना ही निर्भर रहना पड़ेगा। ब्रिटिश सेना में अधिकारी रहे जस्टिन क्रम्प का कहना है कि सवाल ये है कि गजा की हर इमारत और वहां बनी हर सुरंग को साफ करने के लिए इसराइल कितने पैदल सैनिक वहां तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल ये भी है कि क्या हमास को खत्म करने का इसराइल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसराइल के सीनियर अधिकारियों का भी मानना है कि बम और गोलियों से किसी भी विचारधारा को खत्म करना असंभव है। हमास नेतृत्व के कई बड़े नेता गजा से बाहर किसी और देश में रह रहे हैं। कार्ट्स के अनुसार यदि हमास के कुछ लोग इस युद्ध से बच गए तो वे दावा कर सकते हैं कि चूंकि हम अभी भी जिंदा हैं, इसलिए हम जीत गए। यही वजह है कि क्रम्प का मानना है कि इसराइल का लक्ष्य हमास को खत्म करने की बजाय उसे दंडित करने पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि यह तय हो सके कि 7 अक्टूबर के हमले फिर से न हो। इसराइल पर अमेरिका की ओर से यह बताने का दबाव लगातार बढ़ रहा है कि युद्ध के बाद क्या होगा। जानकारों के अनुसार हमले के बाद की योजना के बिना कोई युद्ध शायद ही कभी जीते गए हों, लेकिन ये चीज इसराइल के इस सैन्य अभियान से अभी तक पूरी तरह नदारद है।